अगर आप भी एक नया फोन लेने की सोच रहे हो और आपका कंफ्यूजन है कि यार IQ Z7 लूं या फिर जो Realme का Speed 9 एडिशन है वो लूं, और दोनों ही मोबाइल फोन 5G है, पर IQ की आपको पता होगा बहुत ही ज्यादा तारीफ हो रही है और थोड़ा नया भी है और जो Realme है वो थोड़ा पुराना है, तो आपका बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है कि इन दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर आज हम इस कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं और आपको एकदम क्लियरली हम बता देंगे कि इन दोनों मोबाइल फोन में से ज्यादा अच्छा कौन सा है, चाहे गेमिंग की बात करें चाहे कैमरे की बात करें, हम पूरी स्पीड टेस्ट वगैरह सब कुछ करने वाले हैं। तो यार सबसे पहले मैं इन दोनों के आपको प्राइस बता देता हूं। तो IQ Z7 की 6128 के अंदर आपको प्राइस मिल जाती है 18,999 रुपए, यानी कि 19,000, और जो स्पीड एडिशन है इसकी प्राइस मिलती है आपको 20,000, यानी कि 1,000 रुपए का दोनों के अंदर ही आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो यार ये जो 1,000 रुपए का डिफरेंस है, यानी कि स्पीड एडिशन का थोड़े से ज्यादा लगे हैं रुपए, वो किस चीज के लगे हैं? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों के प्रोसेसर की, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फर्क है, सबसे ज्यादा जो डिफरेंस है वो प्रोसेसर के अंदर ही है, क्योंकि IQ के अंदर आपको मिलता है MediaTek Dimensity 920, Realme के अंदर आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 778। और दोस्तों अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें ना दोनों प्रोसेसर को कि ज्यादा अच्छा कौन सा है, जो 778 है वो Dimensity 920 से ज्यादा अच्छा निकल कर आ जाता है। सबसे पहले मैंने इन दोनों को साथ में ऑन करके देखा तो यहाँ पे स्पीड एडिशन थोड़ा सा जल्दी ऑन हो जाता है, और दोस्तों फिर मैंने एप्स वगैरह साथ में चलाकर देखे, ओपन करके देखे, वो भी थोड़े थोड़े से यहाँ पे स्पीड एडिशन के अंदर थोड़े जल्दी ओपन हो जाते हैं। और दोस्तों फिर मैंने यहाँ पे काइन मास्टर के अंदर सेम सी वीडियो ली और दोस्तों दोनों के अंदर 1080 FPS के अंदर मैंने एक्सपोर्ट करके देखी कि कौन सी वीडियो जल्दी एक्सपोर्ट हो जाती है। तो दोस्तों रियलमी 9 स्पीड एडिशन के अंदर काफी जल्दी से यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाती है वीडियो। तो यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा ज्यादा भारी है रियलमी 9 स्पीड एडिशन का, अगर कंपेयर करें IQ Z7 से। तो यार आप गेमिंग वगैरह खेलना चाहते हो या फिर आपको यहाँ पे एडिटिंग वगैरह के लिए मोबाइल फोन चाहिए तो मैं स्पीड एडिशन आपके लिए सजेस्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा प्रोसेसर मुझे भारी देखने को मिलेगा। और गेमिंग की बात करूं तो दोनों के अंदर ही अच्छी खासी गेमिंग हो जाती है और दोस्तों नॉर्मल दोनों यहाँ पे हीट होते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉब्लम देखने को मिली दोनों के अंदर वो ये है कि बैटरी थोड़ी सी ज्यादा ड्रेन होती है IQ Z7 की, क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ 4500 mAh बैटरी मिलती है, जबकि स्पीड एडिशन के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। पर यहीं पर आपको चार्जर के अंदर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि स्पीड एडिशन के अंदर आपको सिर्फ 30 वोल्ट का चार्जर मिलता है, जबकि IQ के अंदर आपको 44 वोल्ट का चार्जर देखने को मिल जाता है। फिर ये चीज तो आप पर डिपेंड करती है कि आपको बैटरी ज्यादा चाहिए या फिर आपको चार्जर ज्यादा वोल्ट का चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे बैटरी के अमच IQ के अंदर इसलिए कम किए गए हैं क्योंकि इसका जो वेट है ना बहुत ही कम है, 173 ग्राम का है, जबकि स्पीड एडिशन जो है वो यहाँ पे लगभग 200 ग्राम का है। तो यार ये काफी हल्का है, IQ को अगर आप देखो कि काफी हल्का है और इन हैंडफिल के अंदर काफी अच्छा लगता है, एक हाथ से आप आसानी से चला पाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो पावर बटन और वॉल्यूम बटन से वो यहाँ पे राइट साइड के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जबकि Realme के अंदर आपको राइट साइड के अंदर पावर बटन और लेफ्ट साइड के अंदर आपको ये जो वॉल्यूम बटन से वो देखने को मिलते हैं। और अगर डिजाइनिंग के अंदर देखोगे तो दोनों ही यहाँ पे अच्छे हैं, दोनों की यहाँ पे जो बैक पैनल वगैरह है प्लास्टिक का है। अगर IQ की तरफ देखोगे पीछे तो यहाँ पे फ्लैट डिजाइनिंग है, और यहीं पर अगर देखोगे Realme के तो यहाँ पे थोड़ा सा कर्व्ड है पीछे, आपको यहाँ पे पकड़ने के अंदर इसके अंदर भी आसानी होगी, बस थोड़ा सा यहाँ पे भारी ज्यादा है IQ के कंपैरिजन में। और अगर पीछे से जो कैमरा का मॉड्यूल देखोगे वो Realme के अंदर ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है, क्योंकि हमें पीछे 3 कैमरा वगैरह अच्छा लगता है। और अगर IQ की तरफ देखोगे पीछे सिर्फ बड़े बड़े 2 ही कैमराज है। तो यार कैमरा के बारे में आगे बात करने वाले हैं, उससे पहले बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, क्योंकि दोस्तों IQ के अंदर आपको जो फिंगरप्रिंट मिलता है डिस्प्ले के अंदर मिलता है, क्योंकि इसके अंदर आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो यार आप पर डिपेंड करता है कि आपको डिस्प्ले के अंदर ज्यादा फिंगर अच्छा लगता है या फिर पावर बटन पर, मुझे तो यार डिस्प्ले के अंदर थोड़ा सा फिंगरप्रिंट ज्यादा अच्छा लगता है। और अगर आप देखोगे IQ के अंदर डिस्प्ले तो 6.38 इंचेस की फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, उसके अंदर आपको सिर्फ 90Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। और अगर Realme 9 स्पीड एडिशन की डिस्प्ले देखोगे तो 6.6 इंचेस की IPS LCD देखने को मिल जाती है, और इसके अंदर दोस्तों 144Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है। पर दोस्तों यहां पर रिफ्रेश रेट तो ज्यादा है, पर मेरे हिसाब से AMOLED डिस्प्ले होती तो और भी मजा आता, अगर जो फिंगरप्रिंट है वो डिस्प्ले के अंदर आपको मिलता तो ज्यादा मजा आता। और दोस्तों मैंने इन दोनों को धूप वगैरह के अंदर अच्छी तरह से चलाकर देखा है, तो यार धूप के अंदर दोनों की जो ब्राइटनेस है काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छी रहती है, काफी ब्राइट रहती है, पर जो स्पीड एडिशन है इसकी थोड़ी सी ज्यादा ब्राइट निकल कर आती है अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों के कैमरास के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन है वो कैमरा को लेकर ही है, काफी लोग वीडियोस बनाने के लिए इनको खरीदना चाहते हैं।
तो काफी लोग फोटोशूट के लिए इनको खरीदना चाहते हैं। तो सच बताऊं तो यार कैमरा के अंदर यहाँ पे काफी डिफरेंस देखने को मिला है मुझे इन दोनों के अंदर ही, क्योंकि iQOO के अंदर आपको पीछे सिर्फ दो कैमरा मिलते हैं। जो मेन कैमरा है वो है 64 मेगापिक्सल का और एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा और जिसका कोई ज्यादा यूजेस नहीं है, और जो फ्रंट कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल का। और यहीं पर बात करूं Realme की तो इसके अंदर पीछे तीन कैमरा मिलते हैं जिसके अंदर काम का कैमरा सिर्फ एक ही है, वो है 48 मेगापिक्सल का। 2 मेगापिक्सल के दो कैमरा और देखने को मिल जाते हैं, और जो फ्रंट कैमरा है वो भी इसके अंदर 16 मेगापिक्सल का ही मिलता है। तो यार आपको पता होगा मेगापिक्सल पर बिलीव नहीं रखते, इसलिए मैंने काफी सारी फोटोज क्लिक की है जो कि मैं आपको दिखा देता हूं। पर उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं वीडियो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, तो मैंने इन दोनों के अंदर वीडियोस वगैरह बनाकर भी देखी है। आपको पता होगा इन दोनों के अंदर या 4K के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। पर दोस्तों मैंने जब 4K के अंदर वीडियो रिकॉर्ड की एक लाइट के सामने, तो यार Realme के अंदर जो लाइट है वो ब्लिंक करने लग गई और यहां पर iQOO के अंदर अच्छी खासी वीडियो बन चुकी थी, लाइट को भी यहां पे अच्छे से कवर कर लिया था। तो यार वीडियो रिकॉर्डिंग आप देखोगे ना यार क्वालिटी वगैरह जो डिटेल्स वगैरह है वो यहाँ पे iQOO के अंदर मुझे ज्यादा देखने को अच्छी मिली है। तो चलिए मैं आपको कुछ फोटोज दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार कैमरा किसका ज्यादा अच्छा है, तो आप फोटोज देख सकते हो। तो यार सच कहूं तो यार मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो iQOO का मोबाइल फोन है इसके अंदर मतलब इतनी अच्छी डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाएगी। तो यार 64 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो काफी हद तक अच्छा है अगर आप कंपेयर करोगे Realme के कैमरे से, क्योंकि Realme के कैमरा के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे गोरा थोड़ा सा ज्यादा कर देता है यहाँ पे, चाहे फ्रंट कैमरे की बात करूँ चाहे बैक कैमरे की बात करूँ। पर दोस्तों अगर बात करूँ ना iQOO की तो इसके अंदर यहाँ पर थोड़ा गोरा कम करता है पर डिटेल्स काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, जैसा फोटो है वैसा का वैसा रहता है। अगर आप जूम वगैरह करोगे तो डिटेल्स वगैरह यहाँ पे iQOO के अंदर आपको थोड़ी ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। तो यार अगर आपको कैमरा के लिए इन दोनों में से कोई मोबाइल फोन चाहिए तो आपके लिए iQOO सजेस्ट करूंगा, पर अगर आपको गेमिंग या फिर आपको एडिटिंग वगैरह के लिए प्रोसेसर भारी चाहिए तो आप Realme 9 स्पीड एडिशन को चूज कर सकते हो, पर मैं आपके लिए iQOO Z7 की सजेस्ट करूंगा, क्योंकि यार 1000 आपके रुपए भी बचेंगे और दोस्तों यहां पर आपको कैमरा भी काफी अच्छा मिलेगा और डिजाइनिंग भी काफी अच्छी मिलेगी और आपको जो Android 13 भी देखने को मिल जाएगा, जबकि आउट ऑफ द बॉक्स Realme के अंदर आपको Android 11 ही देखने को मिलता है और यहां पे दोनों ही 5G मोबाइल फोन है। तो यहां पर आप अपनी मर्जी से आपके मतलब क्या नीड है उसके हिसाब से इन दोनों में से चूज कर सकते हो। और दोस्तों डिजाइनिंग भी यहां पे थोड़ी सी iQOO Z7 की ज्यादा अच्छी लगती है, अगर आप देखोगे इन हैंड व्हील वगैरह के अंदर काफी अच्छा लगता है, कोई कह नहीं सकता कि यार इतना कम मतलब सस्ता मोबाइल फोन है। और iQOO यार आपके पास सही में बहुत जबरदस्त मोबाइल बनाया है इतनी कम प्राइस के अंदर, अगर इसके अंदर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होता तो और भी ज्यादा मजा आता, फिर भी दोस्तों यहां पे प्रोसेसर इस प्राइस के अंदर ठीक है। तो आपको इन दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों यार वीडियो अभी तक यार आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई भी ऐसी यूजफुल वीडियोस मिस ना कर पाओ। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।